हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप देख रहे हैं मैं किचन का काम कर रही हूँ। किचन को साफ और क्लीन एंड अच्छा मैं कवर कर रही हूँ। इस पर कलर या फिर कलर तो नहीं कर। मैं अब आपको बताती हूँ मेरा किचन पहले कैसा है और कैसे होने वाला है। ये देख लो, सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है। ये देखो, आवाज़ भी थोड़ी खाली खाली सी हो गई। पूरा खाली कर दिया ना, गैस टंकी वगैरह सब निकाल दिया। कि वॉश बेसिन सिंक है या इसको भी देख निकाल रहे। ये ट्यूबलाइट भी मुझे हटानी है। मैं नहीं हटाऊंगी, कोई आएगा हटाने। ये सब देख लो आप पहले कैसा कलर में सब कुछ गंदा हो रहा है। पूरा गंदा गंदा सा हो रहा है, इसलिए मेरे को वीडियो बनाने में बहुत शर्म आती थी। ये पानी की चले ये भी रखती हूँ मैं, और ये सामान सारा यहाँ रख दिया है। कुछ अंदर रखा है तो बस अभी पहले किचन को धो देते हैं, थोड़ा भिगो देते हैं, फिर बर्तन ये सब डब्बे धोएंगे, बर्तन धोएंगे, फिर इसमें सूखने का वेट करेंगे, फिर वॉलपेपर लगाएंगे। ये किचन खाली करने के बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश किया। बहुत मतलब जो कागज़ चिपके हुए थे पहले, मैं इन पर मतलब जो पेपर आता है वो लगा देती टेप से, मतलब सेलो टेप से, तो हट नहीं। बहुत दिनों से मैंने धोया नहीं था, किचन साफ़ कर देते थे ओनली और धोया नहीं। दीवारें भी बहुत गंदी थी, मैंने सोचा धो लेते हैं। लेकिन आप प्लीज़ अगर वॉल पेपर लगाएं, वॉल पेपर तो ये कुछ दीवार होने के बाद भी एसी के एसी रखी है ये, तो अभी इसको अब हम वॉल लगाएंगे वॉल पेपर, उसके बाद बताती हूँ मैं। कर दी मैंने, क्या उसको अच्छे से देखा नहीं था तो मैंने धो दिया। तो थोड़ा कहीं कहीं प्रॉब्लम हुई, कहीं नहीं हुई। फिर मैंने उसी दिन लगा दिया था, धो उसी दिन साफ़ किया, उसी दिन धो दिया। तो तब काफ़ी थोड़ी दिक्कत आ रही थी चिपकाने में, बाकी बस थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखना आप ज़रूर, वॉल पेपर छिपाते समय आप दीवारों को गीला मत करना, सिर्फ कपड़े से या झाड़ू से साफ़ कर लेना। ये फिर देखो, मैंने थोड़ी देर वेट किया, डब्बे और वो किचन का जितने भी बर्तन थे सब धो लिए थे अच्छे से। तो जितने किचन भी हल्का सूख गया था, फिर मैंने वॉल पेपर स्टार्ट कर दिया लगाना। मेजरमेंट लिया, काफ़ी थोड़ा मेजरमेंट में इतने मैं अच्छी नहीं हूँ, तो कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी कोई नहीं। मैंने जैसा कोशिश मेरी थी अच्छा करने की वैसे मैंने की और लगता गया। लेकिन बहुत आसान है लगने में, लेकिन बस ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ता साइज़ वगैरह। थोड़े किचन अगर छोटी छोटी ताक मतलब अलमारी सी रहती है ना वो, बाकी तो सीधी जगह तो आसान से लग जाता है। वो थोड़े सलवल का आप ध्यान रखें। काम करते करते किचन का बहुत रात हो गई थी और मैं खाना पीना सब भूल गई थी। उस दिन फर्स्ट टाइम तो मैंने खाना भी नहीं खाया, खाना भूल गई, सिर्फ एक कप चाय पिया था। फिर माही ने बोला मेरे बेटे ने, हम आप कुछ खा लो। फिर वो मेरे को पैसे ले गया मेरे से और फिर बिरयानी लाया। बोलो 8 या 8:30 बज रही थी रात की, तो मैंने कुछ खाया तो थोड़ा बहुत उस पर एक ब्रेक से मिलकर चलो खा लेते हैं। बच्चा इतना प्यार से बोल रहा है, बहुत लेट हो गया। फिर बस उसके बाद देखिए ये कुछ ऐसा हो गया था, मतलब वॉल पेपर भी कम पड़ गया था और बहुत रात हो गई थी। तो मैंने जो भी डब्बे वगैरह सामान था, खाना भी बनाना था, खाना भी बनाया मैंने उनके लिए। तो बस मैंने जो भी था अभी जैसे तैसे करके जमा दिए सारे जो भी है। बाकी अधूरा काम है, पूरा नहीं हुआ है किचन का। पूरा हो जाएगा तो मैं एक वीडियो ज़रूर डालूँगी आपको पूरा किचन का। ये देखिए वो पीछे आप देख पा रहे हो, वो भी खाली खाली सा है। और यहाँ पर मतलब अभी मैंने अच्छे से ये सब डब्बे को सब मैंने अच्छे से रसोई को मतलब धोया है। बहुत टाइम लग गया, अकेली थी काम करते करते इतना टाइम लग गया, कुछ पता नहीं चला। और मीशा को बहुत अच्छा लगा, आप सुनिए इसकी। रात हो गई, फिर आए 10:30 बजे, पाव भाजी लाए थे बच्चों के लिए, तो खाना नहीं खाया था, बिरयानी खा ली थी मैंने। चलो सोचा यही खा लेते, इच्छा नहीं थी खाने की। बच्चे भी ज़बरदस्ती करने लग गए और ये भी बोले कुछ तो खा ले, ये नीचे खाना खा रहे और मैं यहाँ पाव भाजी खा रही थी। फिर ये खा के जैसे वहीं सो गई मैं, और दूध दाद भी खुद गर्म तो कर दिया था लेकिन खुद ही पी लिया। फिर मैंने सुबह ही उठी, मायर को स्कूल भेजाना था, स्कूल में जा भेज कर
हाँ तो हो गया था। दूसरा दिन मैंने सुबह का नाश्ता किया, मायर को स्कूल भेज दिया, फिर मैंने वापस वही स्टार्ट कर दिया क्योंकि दिन भर थकी हुई थी। वॉल पेपर भी लेने गई चली गई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो लगाते हैं दो, मतलब 10 मीटर और लेकर आई थी, फिर भी कम पड़ गए थे मेरे वॉल पेपर। तो अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ है ये, तो फिर भी मैंने जैसे कर रही वैसे बता रही। भाई भी आ गया खाना खाने, रात हो गई थी 9:30 बज गए थे, फिर भी मैंने कर लिया थोड़ा बहुत जितना था, खाना भी बनाया बीच बीच में, बच्चों को भी संभालना पड़ता, सब कुछ अकेले ही कर रही थी तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा था मेरे को। बस मैं जितनी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी उतना ही लेट हो रहा था। तो ये देखो छोटी छोटी बारीकी से मैंने बहुत काम ध्यान दिया कि ताकि कुछ पीछे पुराना कुछ ना दिखे। और ये देखो रात हो गई, ये भी आ गए 10:30 बजे, ये भी देखने लग गए, फिर ये बोले चलो अब मुझे खाना दे दो, बाद में तुम तुम्हारा कल करते देना। तो बस फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा जो भात का था वो किया, फिर बाद में मैंने इनको खाना वाना दे के लेती और मैं भी खाती हूँ। देखो पसीना वो गर्मी सी हो रही है किचन में, तो अभी मैं खाना दे दूँगी, फिर कल मिलते हैं आपसे। अभी आधा ही काम हो जाएगा, आधा अभी छवा ही, बाकी आपको मैं कल ही बताऊँगी पूरे अच्छे, जब पूरा हो जाएगा तभी बताऊँगी, कल का कोई मैं वो नहीं। तो ये हो गया नेक्स्ट डे। फिर मैंने सुबह उठते ही मायर को तो स्कूल भेज दिया, मैंने सुबह उठते ही इनको खाना बनाकर बस झाड़ू निकाली, साफ सफाई की और थोड़े बहुत मैंने सोचा जल्दी हो जाएगा, वॉल पेपर लेकर आए गए थे कल, तो बस मेरे को थी जल्दी करने की, जल्दी जितना हो उतना लेट हो रहा था मेरे से। मैंने सोचा चलो इसको अच्छे से कुछ सल आ रहे थे, तो भाई बोला कंघे से करना तो उसमें सल नहीं आएंगे, लेकिन वो भी आइडिया फेल हो गया। मैंने फिर अपनी कोशिश करी, मैंने चलो अपने दिमाग लगाते हैं, मैंने मेरे हाथों से ही एक से फिर एक हाथ से नीचे से कर रही थी और ये फिर ये बस, तो जैसे आप देख रहे हैं मैं कैसे लगा रही हूँ, आप भी प्लीज़ ऐसे ही लगाना। और जब सूख गया था किचन दूसरे दिन तो बहुत जल्दी जल्दी चिपक रहा था और अच्छे से लग रहा था, तो कोई टेंशन नहीं थी। और आप प्लीज़ गीला पे मत लगाना, इसमें जैसे मेंशन किया रहता है तो आप सब उसमें पढ़ लेना। मैंने क्या इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा ऐसे ही गीला धो के लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से चिपकेगा, लेकिन नहीं, तो बस मैंने स्टार्ट कर ही दिया था लगाना, लगाते गए फिर बस थोड़ा बहुत, फिर एक बंडल वो लाना पड़ेगा वॉलपेपर का 5 मीटर, तो बस मैंने सोचा हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। फिर भी मेरा इतना मतलब मूड ख़राब हो गया कि क्या कभी यार इतना सोचा उतना, लेकिन आप प्लीज़ मुझे बताना ये वुडन वॉलपेपर कैसा लग रहा है, और ज़रूर बता देना कमेंट में, और अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना और अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक कर देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिसलाइक से। बस आप खाना खाने जैसी मैं बना भी रही हूँ दिखा भी रही हूँ और ये बच्चे खेल रहे हैं, देखो अभी हम खा रहे खाना, ये देखो उस कमरे में मेरे को रूम का भी काम चल रहा है करना है, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको जरूर बड़ी तेज आपको बता ही चुकू क्या बनाया। ठीक है, कैसा बना मिशा? बहुत अच्छा, सच्ची में हाँ। चलो हाँ, तो ये है मोहरम का शरबत, ये मेरे सासू माँ ने बनाया था मोहरम का, तो मैंने पी लिया अच्छे से, आपने भी पिया होगा। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा दोस्तों, मैंने अपने रूम का पेंट का चैलेंज लिया अपने आप से, खुद से अपने रूम को अच्छा करूँगी, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, और नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा और आप बताइएगा।